वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शोमो चैटर्जी और आप देख रहे हैं नेचर मोटो। स्वागत है आप सभी का मेरे कश्मीर वैली ट्रिप के लास्ट व्लॉग में। आज मैं हूं पहलगाम में और पहलगाम का टेम्परेचर है -2 डिग्रीज। और सुबह सुबह बशीर भाई आ गए हमें जगाने के लिए कि चलो भाई तुम्हारा गाड़ी आ चुका है, अब जाओ टाटा बाय बाय। तो आज भी स्नोफॉल हो रहा है, लगातार 2 दिन से अब स्नोफॉल हो रहा है। जो मन था मेरा पहलगाम में आके कि स्नोफॉल देखूं एकदम रूम से बाहर निकल के, वो चीज़ तो मिल ही गया। अब टाइम है घर वापसी का। सामान वगैरह सब पैक हो चुका है, बट जो जाने का रास्ता था हमारा यहाँ से जो हम जाते हैं उधर, ये पूरा स्नो से ढक चुका है। तो आज जूता होने वाला गीला, ठीक है चलते हैं। मैं पीठ पे बैग ले लेता हूँ अपना वो वाला। तो मैं काम करता हूँ, मैं अपना कैमरा वगैरह डाल लेता हूँ अंदर में, क्योंकि ये बर्फ़ में जाऊँगा फिर मेरा कैमरा गीला होगा तो फंगस होने का चांसेस है। सबसे पहले गाड़ी के पास चलते हैं। संभल के जनाब पैर ना स्लिप कर जाए, क्योंकि ये चल चल के ना जम जाता है। ए, गिरीश वो बशीर जहां जहां से गए ना वहीं वहीं से जाओ। तो ये स्नो ना बहुत ज्यादा स्नो हुआ है, कल 4 इंच के लगभग स्नो हुआ है। बटरफ्लाई क्या, मैं अपना चेहरा का छाप छोड़ के जा रहा हूँ पहलगाम में घोड़े से गिर के, वो भी एक एक्सपीरियंस है कि नहीं। तो ये पीछे था अपना कॉटेज। ऐसे पेड़ के नीचे रहना भी डेंजरस है, क्योंकि पेड़ में जो बर्फ जमा हुआ रहता है ना, कभी कभी धास धूस गिरता है, जोर जोर से गिरता है। ये देखो रिसेप्शन का हालत है, रिसेप्शन के ऊपर भी पूरा बर्फ और रास्ता भटक गए। एक होते था हमके, चलो बाय बाय पहलगाम, बाय बाय जेके टूरिज्म कॉटेजेस। और एक भाई ये सब बर्फ, ये दिन में पिघलेगा कि नहीं, ये दिन में पिघलेगा, पिघलेगा जितना दोपहर होगा थोड़ा पिघलेगा। ये गाड़ी का भी हालत देखे, पूरा बर्फ हो गया गाड़ी के ऊपर। और यहाँ जो रास्ता है ये भी पूरा बर्फ था, तो सुबह को क्लियर करने के लिए आए थे। और सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है वो दूर में जो पेड़ है ना, ये दो पेड़ देखो पूरा बर्फ से एकदम भारियों के नीचे आ चुका है, ये भी भारियों के नीचे आ चुका है ये वाला पेड़ भी। तो यहाँ से सीधा ये रास्ता चंडरवाड़ी जाता है नीचे उतर के, अब हमें जाना है श्रीनगर की तरफ। सबसे पहले तो किधर से, अनंतनाग होके पंप और होके जाएंगे क्या? पहले तो बिजबिहार आ जाए, अपल वैली आएगा, अपल वैली उससे पंपोर फिर ठीक है श्रीनगर। चलो यस मजा आ गया, बर्फ बर्फ बहुत बर्फ देख लिया, अभी 1-2 साल तक कोई बर्फ नहीं दी। इधर देख रहे हो रस्ते का हालत, पूरा एकदम बर्फ बर्फ के ऊपर से जा रहे, विंटर स्पीति विंटर कश्मीर सब चीज का फीलिंग एक साथ ले रहे। ये सारे जितने भी हट्स दिख रहे ना, ये सारे जेके टूरिज्म के। और जिस रास्ते से हम लोग अभी जा रहे हैं, ये वाला पहलगाम टैक्सी स्टैंड 1 के पास उतरता है ये जगह नत्तू रसोई पे, ये वाला रास्ता क्लियर नहीं हुआ सुबह को, चारों तरफ बर्फ भाई। ये तो गुलमर्ग से ज़्यादा अच्छा मेरे को ये जगह लगा, सच बता रहा हूँ। बाकी तो आप ही देखो क्या सीन्स है। हम लोग जब आए थे वो पीछे वाले रास्ते से आए थे, जहाँ मतलब अनंतनाग होके आए थे। तो अभी जा रहे हैं हम लोग दूसरा बाईपास रास्ते से, जिसमें अनंतनाग कट जाएगा, बट एप्पल वैली वाला रोड जो लिड्रो एप्पल वैली बोलते हैं। तो ये अभी जो रास्ता लिए दूसरा साइड का रास्ता है, उस रास्ते से जब हम लोग इधर का व्यूज़ देख रहे थे तो कितना अच्छा लग रहा था, अब इधर से दूसरा तरफ का व्यू देख रहे और अच्छा लग रहा है। पूरा वैली यहाँ पर जाके ओपन होता है, ऐसा खूबसूरत नज़ारा। और पता है मेरा फ्लाइट टिकट कैंसिल होने की वजह से मैं आज जा रहा हूँ, अगर फ्लाइट टिकट कैंसिल नहीं होता मेरा 25 का ही रहता तो मैं एक और दिन पहलगाम में रुकता, और इस बार मन था कि पैदल पूरा मामलगांव तक जाऊँ, बट आज ही वापस जाना पड़ रहा है।
कहते हैं ना कि कहीं अगर जाना चाहते हो तो आज चले जाओ, क्योंकि क्या पता कल हो ना हो। तो बस मैंने भी वही किया। कश्मीर का मुझे ये नज़ारा देखने का हमेशा से मन था, और मैं इतना लकी था कि अनंतनाग तक का पूरा रास्ता और पहलगाम में हमारे स्टे के दौरान लगातार स्नोफॉल मिला, और देखते ही देखते हम कब श्रीनगर एयरपोर्ट पहुंच गए पता भी नहीं चला। कोलकाता से श्रीनगर जिस दिन मैं लैंड किया था उस दिन पूरा का पूरा एयरपोर्ट बर्फ से ढका हुआ था, लेकिन जिस दिन हम टेक ऑफ कर रहे थे, मतलब श्रीनगर पे घूमने के 7 दिन बाद, रनवे पे उतना ज़्यादा बर्फ नहीं था, तो मतलब पता चल रहा था कि धीरे धीरे अब गर्मियों का मौसम आने वाला है। को रात के 8:30 बजे पहुंचा था मैं दिल्ली, और अभी हो रहा है 25 तारीख के सुबह 5। लगातार 3 फ्लाइट कैंसिल हुआ है और 2 रीशेड्यूल। अभी जो 5:50 का मेरा फ्लाइट था कोलकाता का डायरेक्ट, वो कैंसिल हो चुका है। अभी वाया रांची का एक फ्लाइट मिला जो कि 11:30 बजे पहुंचाएगा मुझे कोलकाता, बट वो भी डिलेड चल रहा है बिकॉज ऑफ फॉग। ध्यान नहीं आ रहा, बट थैंक्स टू माई एच डी एफ सी वो जो प्लेटिनम वाला कार्ड नहीं होता है, जिसके वजह से 2 रुपये में लाउंज एक्सेस मिल गया था। बाद बाकी कुछ अच्छा नहीं हुआ, बाकी सब ऐसे ही बुरा ही चल रहा मेरे साथ। इसको देखो, इसको ना तो नींद है ना कुछ है। कैसे बैठी हो? दिमाग खराब हो रहा है, कुछ अच्छा नहीं। अरे मेरे को ना वो मूवी याद आ रहा, पता है द टर्मिनल, अगर नहीं देखे हो तो देखो, तो वैसा फीलिंग आ रहा है द टर्मिनल। वो बेचारा 1 साल रुका था और हम यहाँ 24 घंटे में हालत ख़राब हो जा रहा है।